हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीता। आप सबका मेरी किचन कुकिंग विद सुनीता में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी। रोज वाली सब्जी से हम सब बोर हो जाते हैं, लेकिन बनानी तो वही रोज वाली सब्जी है ना, तो क्यों ना आज रोज वाली सब्जी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बनने वाली आलू शिमला मटर की सूखी सब्जी। बनाने में एकदम आसान है। इस रोज वाली सब्जी में मैंने दिया है एक मैजिकल ट्विस्ट, उस ट्विस्ट के साथ बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार होगी। आप इस रेसिपी को पूरा वॉच करिए, आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट बनने वाली आलू शिमला मिर्च और मटर की सूखी सब्जी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ, अगर आपने अपने चैनल कुकिंग विद सुनीता को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। तो शुरू करते हैं सूखी सब्जी आलू मटर और शिमला मिर्च की। उसके लिए मैंने गैस ऑन कर दी है, उस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तेल हमारा थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, इसका स्मोक निकल जाना चाहिए। उसके बाद जब तेल का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा को अच्छे से चटक दें और फ्लेम यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम ही रखें। एक चम्मच मैंने यहाँ पे राई का डाल दिया है, राई को अच्छे से चटक जाने दें। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी आधी चम्मच हींग की। हींग बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक बड़ा प्याज, रफली चॉप करके डाला है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चॉप किया है मैंने, रफली यहाँ पे चॉप किया है। इसको करीब एक मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ी सी अदरक और 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज किया है, वो मैंने यहाँ पे रफली चॉप करके डाल दिया है। इन सबको अच्छे से करीब 2 मिनट के लिए फ्लेम लो हो उस पर स्टर करते रहिए। आप देख सकते हैं हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी अपने आलू। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू अच्छे से काट के धो के रख लिए थे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आलू को एकदम पानी से निकाल के ना डालें, आलू धो के पहले रख लें, उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है। आधी चम्मच मैंने अभी यहाँ पे नमक डाल दिया है और अच्छे से इसको स्टर कर लिया है। आलू को मैं यहाँ पे करीब 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हम पकाएंगे। जब हमारा आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे देखा है, आप देख सकते हैं मसाले भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे दिख रही हैं और आलू पे एक हल्की सी लेयर गोल्डन ब्राउन कलर की आ चुकी है। इसलिए आप इस टाइम पे हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर रफली चॉप करके रख लिए थे। अब मैं यहाँ पे पूरी सब्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक को ऐड कर दूंगी। नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का ऐड किया है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पाउडर यूज करूँगी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर के पानी से क्या है कि हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से पक जाएगा और हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ पे आलू को थोड़ा सा और पकाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे करीब 4 मिनट यहाँ पे आलू को पकाऊंगी उसके, और इसको हम ढक के रख देंगे। 4 मिनट के लिए मैंने इसकी प्लेट लगा दी है और ढक के रख दिया है। फ्लेम हमारा यहाँ पे बिल्कुल स्लो करना है। 4 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि हमारी सब्जी आलमोस्ट एक तरीके से पक्के हो रही है तैयार। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी बनी है। यहाँ पर मैं आपको आलू को काट के भी दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारा आलू 50% अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे यहाँ पे 2 शिमला मिर्च रफली चॉप हुई, यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको स्टर कर लेंगे, शिमला मिर्च आलू को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी मटर। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी मटर का यूज किया है, लगभग 50 ग्राम मटर थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी मैजिक मसाला किचन किंग। आप इसमें डालने के बाद ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा स्वाद आएगा। टमाटर हमारे देसी थे तो बहुत अच्छे खट्टा स्वाद इसमें आ जाएगा और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। इसको मैं ढक के 2 मिनट के लिए रख दूंगी। 2 मिनट के बाद मैं जब चेक करूंगी तो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन के पूरी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी हमारी आसानी से कट गई है। और आप इस स्टेज पे हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी अपनी धनिया, हरी भरी धनिया डालने के बाद तो सब्जी का कलर और ही अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू निकल के आई है। फ्रेंड्स आलू मटर शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनके हो गई है तैयार। इसको
तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट झटपट बनने वाली आलू शिमला मिर्च मटर की सूखी सब्जी। मज़ेदार सब्जी बनके तैयार हुई है। जितना देखने में टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, उतना ही खाने में पूछिए मत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश मेड बाय यूजिंग किचन किंग मसाला। एक बार जो रोज़ वाली आलू शिमला मिर्च की सब्जी को आप मेरे तरीके से बनाकर देखिए फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट हो जाएगी, मुझे पक्का पता है। आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 दिल खोल के लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको ज़रूर शेयर कीजिए।